क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि मार्केट ऊपर जाए तो भी पैसा बने, मार्केट नीचे आए तो भी पैसा बने, और मार्केट अगर साइडवेज हो जाए तो भी पैसा बने? तो हाँ, ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग है। आजकल हर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है या तो फिर करना चाहता है, क्योंकि उसमें क्विक रिजल्ट होते हैं। लेकिन इसमें 90% से भी ज्यादा लोग इसमें लॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मैकेनिज्म चलता कैसे है। सिर्फ कॉल और पुट के बटन दबाने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, आपको उसका मैकेनिज्म समझना होगा। तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, बहुत ही सरल भाषा में हर उस चीज को सीखेंगे जो हमें प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिख दीजिए I am ready। तो इस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर क्या है, और ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट सीखने की जरूरत है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं, एक तो कोई एसेट में ट्रेड करना या तो फिर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना। तो अब एसेट और डेरिवेटिव्स क्या है बताता हूं। तो अब एसेट क्या है? एसेट हर वो चीज है जिसका अपने आप में कुछ वैल्यू हो, जैसे कि गोल्ड, कंपनी के स्टॉक्स, इवन करेंसी भी एक एसेट है। और अगर हम डेरिवेटिव्स को देखें तो उसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी प्राइस को मूव करने के लिए किसी ना किसी एसेट का सहारा लेना पड़ता है। कोई भी ऐसा एसेट जिसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, उसी के बेस पे डेरिवेटिव्स पे ट्रेड किया जाता है। और डेरिवेटिव्स को फ्यूचर्स एंड ऑप्शन भी कहा जाता है। और हम इस सीरीज में ऑप्शन सीख रहे हैं, इसलिए हम ऑप्शन की बात करेंगे। तो अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या और वो किस तरीके से बनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो एग्जांपल पे चलते हैं। मान लीजिए एक जमीन है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, और यहाँ रमेश और सुरेश नाम के दो लोग हैं जिनको इस जमीन के प्राइस के फ्लक्चुएशन में ट्रेड करना है। लेकिन दोनों के पास उतना पैसा नहीं है कि उस जमीन को खरीद सके या बेच सके। तो अब यहाँ पे रमेश और सुरेश ये दोनों भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। रमेश को लगता है कि इस जमीन की प्राइस आने वाले 1 महीने में 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है, और उसी तरीके से सुरेश को लगता है कि इस जमीन का 1 लाख से 1.5 लाख तक तो 1 महीने में तो नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे सुरेश एक टोकन अमाउंट सेल करता है रमेश को, जिसकी कीमत होती है 10,000 रुपीज। मतलब रमेश 10,000 रुपए देगा सुरेश को 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे। तो अगर इस जमीन की प्राइस 1 महीने में 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख तक पहुंच जाती है, तो सिंपल यहाँ पे रमेश विनर हो रहा है और सुरेश लूजर। प्राइस जितना भी ऊपर गया है उसको कैलकुलेट किया जाएगा टाइम वैल्यू के हिसाब से और प्राइस के मूव के हिसाब से, और जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा जाएगा रमेश को। और ये कौन देगा? सुरेश, क्योंकि सुरेश ने एक टोकन अमाउंट सेल करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लेकिन अगर 1 महीने में इस जमीन का प्राइस 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख तक नहीं जाता है या उसके ऊपर नहीं जाता है, तो जो टोकन अमाउंट रमेश ने सुरेश को दिया था 10,000 रुपीज, वो पूरी तरीके से हो जाएगा सुरेश का, क्योंकि अब यहाँ पे सुरेश विनर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग हुई कैसे है इसको समझते हैं। तो देखिए, रमेश जिसने टोकन को बाय किया था वो होगा हमारा ऑप्शन बायर, सुरेश ने टोकन सेल किया था इट मींस वो हमारा ऑप्शन सेलर है, और जो टोकन का अमाउंट 10,000 है वो है हमारा प्रीमियम, और जो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है लास्ट डे ऑफ द मंथ वो होगा हमारा एक्सपायरी, और जमीन जिस पे ये सारी चीजें ट्रेड हुई है वो है हमारा एसेट जिसके अपने आप में 1 लाख की वैल्यू है, और जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था 1.5 लाख रुपए वो होगा हमारा स्ट्राइक प्राइस। तो आपने देखा यहाँ पे कितने सिंपल तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग हुई है, लेकिन उसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए, ऑप्शन में एक्चुअल कोई शेयर को खरीदा या बेचा नहीं जाता, बल्कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा और बेचा जाता है, जो कि होता है बायर और सेलर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट। और हम यहाँ पे हमारी मर्जी से यहाँ पे क्वांटिटी खरीद या बेच नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे पूरी एक लॉट के हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। हर एक स्टॉक का लॉट साइज अलग होगा, हर एक इंडेक्स का लॉट साइज अलग होगा, हर एक एसेट का लॉट साइज अलग होगा। जैसे कि अगर मैं रिलायंस के शेयर की बात करूं तो 3,000 रुपए एक शेयर की कीमत चल रही है, और उसका लॉट साइज है 250 क्वांटिटी का। मतलब देखा जाए तो इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 7.5 लाख रुपए। लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें ये पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें उस शेयर को खरीदने की जरूरत है। अगर हम ऑप्शन बायर है तो हम सिर्फ ऑप्शन का प्रीमियम पे करेंगे, जो कि 25 से 30,000 रुपए के आसपास हमें एक लॉट मिल सकता है ऑप्शन बायर के लिए, और ऑप्शन सेलर को ज्यादा अमाउंट देना होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, और उसको हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। तो अब हमने जो एग्जांपल दिया है उसको अगर हम मार्केट में अप्लाई करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि रिलायंस के शेयर की प्राइस जो 3,000 रुपए चल रही है वो 4,000 तक जा सकती है 1 अप्रैल तक, और मुझे लगता है कि 1 अप्रैल तक तो 4,000 तक इसका प्राइस नहीं पहुंच पाएगा। तो अब यहाँ पे आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे मैं एक आपको ऑप्शन सेल करूँगा
जिसका प्रीमियम आपको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम 1000 रुपये का प्रीमियम कंसिडर करते हैं, तो आप 1000 आप मुझे दोगे, वो 1 अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट तक आपका वैलिड रहेगा। अगर 1 अप्रैल तक रिलायंस के शेयर की प्राइस 3000 से 4000 तक जाती है या उसके ऊपर जाती है, तो जितना भी ऊपर प्राइस जाएगा उतना पैसा मुझे आपको देना होगा। उसको कैलकुलेट किया जाएगा प्राइस की मोमेंटम और टाइम वैल्यू के हिसाब से, उतना ही पैसा मैं आपको दूंगा। तो ऑप्शन सेलर यहाँ पे पैसा लूज कर चुका है और ऑप्शन बायर यहाँ पे विनर है। और अगर 1 अप्रैल तक रिलायंस के शेयर की प्राइस 4000 तक नहीं पहुंचेगी, तो जो आपने मुझे जो 1000 रुपये दिया था एज अ प्रीमियम, वो पूरी तरीके से मेरा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलायंस के शेयर की करंट वैल्यू 3000 रुपये है, मतलब इसका अपने आप में वैल्यू है, ये एक एसेट है। जो हमने 1 अप्रैल की डेट सेलेक्ट किए वो हो गया हमारा एक्सपायरी। जो आपने मुझे 1000 रुपये दिया था वो है हमारा प्रीमियम। आपने प्रीमियम को खरीदा है और मैंने प्रीमियम को बेचा है, इट मींस मैं ऑप्शन सेलर हूं और आप ऑप्शन बायर। तो अब यहां पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें सीखने की जरूरत है इसको समझते हैं। तो हमको सबसे पहले समझना होगा कॉल और पुट को। अब कॉल और पुट सिर्फ इतना नहीं होता है कि प्राइस नीचे आ रहा है तो पुट खरीद लो, प्राइस ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीद लो, नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर कॉल में भी होते हैं और पुट में भी होते हैं, इसको बहुत ही डिटेल में हम समझने वाले हैं। उसके बाद आपको समझना होगा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कब खरीदना है कब बेचना है ये सारे चीजें आपको ऑप्शन चेन सिखाती है। इसके डेटा को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको सीखना होगा ऑप्शन ग्रिक्स। ऑप्शन ग्रिक्स एक प्रीमियम का कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब यहाँ तक आप चीज़ सीख गए तो आपको सीखना होगा ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीखते हो तो एक सस्टेनेबल इनकम आप जनरेट कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो आई होप आपको जितनी भी चीज़ें हमने बताई है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑप्शन की पूरी सीरीज इसी चैनल पे आने वाली है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं हम इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.